अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भ्रष्टाचारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ भ्रष्टाचारियों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ भ्रष्टाचारियों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। भ्रष्टाचारी शास्त्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ भ्रष्टाचारी शास्त्री, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शास्त्री की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शास्त्री तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शास्त्री तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शास्त्री तेरी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे क्या बात है भाई, सात आठ कुर्सी है मेरी। हाँ बस इतनी चलेगी, सब ठीक है। कहाँ सीता जी? सर का आवेदन मेरे पास आ गया था और सब अपने पार्षद अपने अपने कक्ष में थे, ना उनसे किसी प्रकार की गाली गलोच का ना किसी क्या का, और मैंने उनसे बंद कमरे में बातचीत करना है। ये हमने सब निगम भाई के लिए बात करने गए थे हमारे सीता जी के लोग, तो आपके संज्ञान में आई है तो लोग 5,000-10,000 रुपये मांगे थे, उसके बाद बात करने गए क्योंकि सब हम पार्षद हैं वहाँ और अधिकारी कर्मचारी बात करते ही मिल रहे हैं। लेकिन आप भी हकदार हो और आपके नीचे जो बाबू वो नहीं लगा शासकीय कार्य में बाधा, एक बंद करना एक बात अलग होगी, लेकिन आंदोलित आंदोलन करके बंद करना वो गलत है। वो कर्मचारी के कारण बाधा डाली शासकीय काम में, आज उम्र बोले वो जनता परेशान हो रही। जैसा कि पिछले 8-15 दिन से हमारे MIC के सदस्य हैं शीतल गहलोत जी, वो एक नामांकन के लिए बार बार संबंधित अधिकारी के पास जा रहे थे, लेकिन अधिकारी टालमल करते हुए उस कार्य को नहीं कर रहे थे। जब शीतल जी को मालूम पड़ा कि जो संबंधित व्यक्ति जिसका नामांकन है उससे पैसे की मांग करी गई है, तो जब उससे चर्चा करने गए तो उसने फाइल छुपा दी गई, और जब शीतल जी द्वारा बताया गया तो उन्होंने विवाद करने का प्रयास करा और अपने परिजन जो कांग्रेसी है उनको बुलाकर शीतल जी के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास करा। भैया मांगे आपकी, आप क्या मांग लेकर पूछे? हमारी मांग है कि जो शीतल जी के खिलाफ वो एक आवेदन दे के गए वो पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। हमने एडिशनल SP साहब को बताया है कि इसकी जाँच हो, और जो संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचारी अधिकारी है हम नगर निगम में महापौर जी को और विधायक जी को बताएंगे, ऐसा अधिकारी के खिलाफ हम लगाम कसने का पूरा प्रयास। भैया क्या मानते हैं, क्या पार्षदों और अधिकारियों के बीच तालमेल का अभाव है कि बीते 3 मामले हो चुके इस तरह के पार्षदों और आपके बीच में? कुछ अधिकारी नगर निगम में कांग्रेसी मानसिकता के हैं, वो कहीं ना कहीं नगर निगम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास सतत करते रहते, लेकिन हमें वैसा भी नगर निगम में एक मामला सामने आया जिसमें जो अधिकारी है शास्त्री जी उनका आरोप है कि आपने उनके सामने बदतमीजी करी है, कोई फाइल का मामला। प्रदीप जी शास्त्री का आरोप एकदम सरासर गलत है। मैं चूंकि जनप्रतिनिधि हूँ और जनता के कामों को बताना ये मेरा हक है, मेरा जो है मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और आज नगर निगम में 2-3 फाइलों के संबंध में जो कि मैंने पिछले हफ्ते में माननीय शास्त्री जी को दी थी, उसके संबंध में मैंने आज शास्त्री जी से बातचीत की और मेरे सहायक जो मेरा सहायक है उसको मैंने उस फाइल को की वस्तुस्थिति देखने के लिए पहुंचाया, तो उन्होंने न केवल मेरे सहायक से अभद्रता की और उसके साथ मारपीट की, और साथ ही उन्होंने ये शब्द का उपयोग किया कि यदि नेतागिरी करोगे तो क्या फाइल ले लोगे क्या। तो
तो कुल मिला के शास्त्री जी भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, उनको एक फाइल पे नामांतरण के पैसे चाहिए और जनप्रतिनिधि होने के नाते से वो पैसे उनको नहीं मिल पा रहे, ये उनके पेट में दुख रहा है। इसलिए एन के एन प्रकरण इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार की घटना है उसको कर्मचारियों से जोड़ रहे हैं, जबकि वस्तुस्थिति में यह पूरी भ्रष्टाचार का मामला है और इसके अलावा कोई नहीं। जो फाइलें मैंने एक हफ्ते पहले उनको दी है वो एक हफ्ते में नगर निगम से गुम हो जाती है, और ऐसा वो मेरे सहायक को बोलते हैं कि फाइलें तो गुम हो गई मुझे नहीं पता। तो अब आप बताइए कि जनप्रतिनिधि यदि इस विषय पर उनसे चर्चा करे और इस चर्चा को यदि वह एक अलग रूप में ले जाए तो फिर जनप्रतिनिधि क्या करेगा? अब ऐसा लेकिन इसके बाद पूरे कर्मचारी लामबंद हो गया और उन्होंने काम नहीं, देखिए कर्मचारियों को वस्तुस्थिति पता ही नहीं है। मान लीजिए कर्मचारियों को वस्तुस्थिति पता होगी तभी तो बात होगी, वो तो एक पक्षी बात होगी कि कर्मचारियों के साथ हुआ, कर्मचारियों के साथ हुआ, कर्मचारी के साथ हुआ, लेकिन क्या हुआ ये तो बात समझने का विषय है। बंद कमरे में कहीं उनको मारा पीट भी? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए ऐसा है कि बंद कमरे में ही चर्चा हो रही थी, उनके मान सम्मान बचाने के लिए तो बंद कमरे में बात हो रही थी। मान लीजिए हम सार्वजनिक कोई बात कर देते हैं उनसे तो फिर वही बात प्रश्न पूछा जाता कि नगर निगम के कर्मचारी से सार्वजनिक बात, यदि हम कोई बंद कमरे के अंदर कोई बात कर रहे तो इसका मतलब है कि हम उनका मान सम्मान कर रहे हैं, और इस बंद कमरे की बात को यदि वो सार्वजनिक ला रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता प्रतीक शास्त्री जो कि नगर निगम में ठेकेदार है वो आके सार्वजनिक रूप से माइक में वीडियो में भी दिखेगा, वह सार्वजनिक रूप से मुझे तू तुकारे कह के बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे सहायक 5 पार्षदों ने और नगर निगम के कर्मचारियों ने देखा। यदि इस प्रकार की वो दादागिरी कर रहे हैं तो वह असहनीय और हम पार्षद लोग भी उस विषय पर बात करें। सर आपके द्वारा आगे क्या? नहीं कोई बात, हम तो हमारी बात हमारे महापौर को, सभापति को, माननीय विधायक जी को यथायोग्य अवगत कराएंगे, पार्षद दल की बैठक रखेंगे और उसमें सामूहिक रूप से हमारे पार्षदों का निर्णय लेंगे, जो सब पार्षदों का निर्णय है वो लेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ता रहा था, लड़ता रहा हूँ और आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। निगम के एक अधिकारी हैं प्रदीप शास्त्री, जो संपत्ति का अधिकारी है, इनके द्वारा अभी आकर एक थाने में अपने सभी निगम के कर्मचारी अधिकारियों के साथ में एक आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा आज एक पार्षद जो कि शीतल गहलोत जी नाम है उनका, उनके द्वारा उनके साथ यानी किसी फाइल को लेकर बदतमीजी की गई, जिस पर उनके द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन दिया गया, जिसके आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी और हमको एक नया हिदायत दी गई कि इसकी एक और उनके द्वारा संबंधित कार्यालय में भी इनकी एक जांच कराई गई। सर चूंकि देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से निगम ये उनका आंतरिक मामला है, कई दिनों से उनका चल रहा है, पूर्व में भी कई ऐसे मामले आते हैं पर चूंकि बाद में वो आपस में खुद ही आवेदन वापस ले जाते हैं या फिर बाद में आवेदन देते नहीं हैं। अब ये आया है, इनका आवेदन आया है, इसकी जाँच की जाएगी, जाँच होने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आपके द्वारा उनको कहा गया था कि नियमानुसार पहले आपको निगम में आपके अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी को, ये एक शासन का रहता है नियम की जो आपके विभाग प्रमुख रहते हैं, जिस भी विभाग में आपस में दो एक ही विभाग के कर्मचारी अधिकारी अगर आपस में कोई विवाद होता है तो सबसे पहले अपने विभाग के अधिकारी को सूचित किया जाता है। अतः हमने उनसे इस कहा था कि आपने अपने विभाग के अधिकारी को सूचित किया, कि उनके द्वारा बताया कि हमने अपने अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया, तो उनको ये सलाह दी गई कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी आप सूचित करें। हमने पार्षद अधिकारियों के बीच लगातार विवाद के मामले सामने आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार 3-4 मामले ऐसे देखे गए कि कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और आज भी काम बंद करा है, क्या पूरा मामला हो जाएगा? नगर निगम में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है, पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी अपने काम करवाना होते हैं और अधिकारियों को भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। आज भी मेरी जानकारी में आया कि हमारे एमआईसी प्रभारी शीतल गहलोत जी का राजस्व विभाग के प्रभारी शास्त्री जी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पार्षद एमआईसी के प्रभारी शीतल गहलोत जी का कहना था कि किसी नामांतरण की फाइल को लेकर नामांतरण के प्रभारी शास्त्री जी ने पैसों की मांग करी थी, उनकी ये शिकायत थी और उसी बात को लेकर दोनों की बहसबाजी हुई थी। मेरा तो दोनों ही पक्ष से कहना है कि परिवार होता है और परिवार के अंदर कई बार गहमागहमी होती है, संयम से काम लेना चाहिए। घटनाक्रम के बाद शास्त्री जी मेरे पास आए थे, उन्होंने घटनाक्रम से मुझे अवगत कराया था, मैंने उनको बोला था कि मैं हमारे पार्षद को एमआईसी के प्रभारी शीतल गहलोत जी को बुलाकर मैं बात करता हूँ, किंतु वो तुरंत बाहर गए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ में उन्होंने हड़ताल करी है। मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत विवाद है, दोनों के पास अपने कहीं ना कहीं पक्ष है, प्रशासनिक मुखिया कमिश्नर होते हैं, राजनीतिक मुखिया इस संस्था का महापौर होता है, दोनों के समक्ष अपनी बात रखना चाहिए, अपनी बात रखने के साथ में दोनों के निर्देश का पालन करना चाहिए। किंतु कर्मचारियों ने छोटे घटनाक्रम को लेकर बार बार हड़ताल करना यह भी ठीक नहीं है, और यदि पैसों का आरोप लगाया पैसे मांगे तो वो भी गलत है, और जनप्रतिनिधियों को भी कोई विषय है तो वो महापौर को अवगत कराएं, कमिश्नर को अवगत कराएं, उन्हें भी संयम बरतना चाहिए। मेरा दोनों ही पक्ष का ये कहना है कि संस्था शहर के हित के लिए, शहर के काम के लिए है,
दोनों पक्षों के विवाद नहीं होना चाहिए और शहर हित में हमें लगातार जनता की सेवा कैसे कर सके उस लाइन पे कर्मचारी अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, उस लाइन पे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए।